हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेम हमारी क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट जी है। पार्ट जी हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 3.7 करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम अपने चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम अपनी एक्सरसाइज 3.7 कम्प्लीट कर लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.7 है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हमें, तो हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में उसने हमें बोला है, रेनू एक लड़की है जिसने दो फर्टिलाइज़र के बैग्स परचेज करे हैं जिनका वेट है 75 kg एंड 69 kg। ठीक है, इन दोनों का वेट ये है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है, ऐसा भार निकालना है जो कि दोनों वेट को क्या कर सके, दोनों वेट के फर्टिलाइज़र को, जो बैग्स हैं इसके फर्टिलाइज़र के जितना इनका वेट है, उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सके, वे कर सके। तो इन अदर वर्ड्स वो क्या बोलें, ये वर्ड में लिख रखा है तो मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो आपको दो नंबर दिए होते हैं। यहाँ पर उसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि इनका HCF निकालना है, एक हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो कम्प्लीटली इन दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, इनको जो डिवाइड कर सकें। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों बैग्स जो हैं 75 kg और 69 kg, इनके प्राइम फैक्टर, इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 का 15 और 15 के तो इसको हो जाएगा 5 and 3, मींस 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 5 3। ऐसे 69 के कर लेंगे, 69 के हो जाएंगे हमारे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, और 69 के हमारे होंगे सिर्फ 2, 3 and 2 3, ये कॉमन लगा देती हूँ। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये प्राइम नंबर्स आ गए। अब इनमें हमें कॉमन ढूंढना है, इनमें हमारा कॉमन कौन सा है दोनों में, ये 3, तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, कौन से नंबर्स के लिए, 75 के लिए और 69 के लिए। अब इनको वर्ड्स में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना आप, गिवन वेट ऑफ टू बैग्स 75 and 69, वेट ऑफ विच कैन मेजर बोथ द बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे इनके फिर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिखना है, ये इसका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो यही है। तो आंसर लिखोगे 3 kg इज रिक्वायर्ड, ये क्यों है, रिक्वायर्ड वेट टू मेजर बोथ बैग्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड कर लेते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है, 3 boys step off together from the same spot, 3 लड़के सेम स्पॉट से, सेम जगह से चलना स्टार्ट करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर आर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm रिस्पेक्टिवली। तो इनके ये है फुट स्टेप जो है इनका, ये साइज़ है, एक का 63, एक का 70 एंड एक का 77। वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेप्स। वही जो एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल समझाया था ना मैंने आपको, जो इससे लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल समझाया था, सेम उसी की तरह है। इसमें ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनको नंबर्स की तरीके से सोचो। अब यहाँ पर बोला है ऐसा एक मिनिमम नंबर बताना है जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलो तो उन्होंने बोला ऐसे 3 लड़के हैं जिनके फुट स्टेप के ये साइज़ हैं, उनको कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए कि वो दोनों वो तीनों सेम डिस्टेंस कवर करें और एक साथ करें। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है मैंने, द स्टेप्स मेजर ऑफ द बॉयज़ आर 60, ये पहले लिख लिया जो हमें गिवन था, फिर मिनिमम डिस्टेंस टू कवर द डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेप्स, यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 63, 70 and 77। देखो ये 7 से जाएगा, 69 ज़ा 10 ज़ा और 11। फिर किससे करेंगे, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 10 11, फिर 3 1 ज़ा 10 11, फिर 2 5 ज़ा 11, 5 1 ज़ा, और यहाँ लास्ट में 11 1 ज़ा। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, ये एलसीएम निकाला हमने, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है, 7 × 3 × 3 × 2 × 5 × 11, ये हमारा मल्टीप्लाई करके बनता है, ये तो देखो ये 10 हो जाएगा, ये 3 3 9 63 63 और 11 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 9 6, और ये 0 इसका 10, तो ये इतना रिक्वायर्ड है। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस इज़
6930 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा, थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में ये बोल रहे हैं द लेंथ, एक मिनट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, ये हैं 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे वर्ड, देखो यहाँ पे क्या बोला, लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट, इससे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, इन तीनों को क्या निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिखकर हम अपना क्वेश्चन करना आगे स्टार्ट करेंगे। तो 825 और 675 और 450 इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इनको फैक्टराइज करने में हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 3, 5, 5 एंड 11, ठीक है। और इसके मिलेंगे हमें 3, 5, 5, 3, 3 और इसका हमको मिलेगा 2, 3, 3, 5 एंड 5। ये आपको निकालने सिखा रखे हैं। तो अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, इनमें हमारे कॉमन हो जाएंगे एक तो ये 3 और 5 एंड 5, ये हमारे कॉमन है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए HCF। बट यहाँ पे लिखेंगे इनको निकाल कर, बाद में लिखेंगे स्टेटमेंट, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। HCF इज इक्वल्स टू 3 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बोला था ना उसने क्या, लॉन्गेस्ट टेप। तो वी नीड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। कितना 3-डिजिट का होना चाहिए और इससे एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। पहले हमने इसे पहले क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे, वो ऐसी सेम पूछा था कि ऐसा एक नंबर निकालना है जो गिवन नंबर्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। बट हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, वो क्या होना चाहिए, 3-डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप तो यही है, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 6, 8, 12। तो 2 3 4 6 3 1 2 2 2 1 और 2 2। ये फिनिश हो गए हमारे, यहाँ पे एलसीएम हमारा निकला है 2 × 3 × 2 × 2 जो कि है 24। अब उसने बोला है स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, वो होता है 100। अब देख लो ये 100 अगर इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब 24 से जो एलसीएम आया है, 24 तो इससे होता है, हमने पीछे कुछ वो पढ़े थे ना, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। अगर ये इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, तो ये इन तीनों से भी डिवाइड हो सकता है। अगर ये इसको कंप्लीट करते तो हमारा आंसर 100 ही होगा, अगर नहीं होगा देखते हैं। पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ साइड में 100 को 24 से, तो 24 ये हमारा जाएगा 4 ज़ा पे 96, यहाँ पे बजे हमारा 4। अब देखो 4 बचा है यहाँ पे हमारा, इसको करने के लिए यहाँ पे 4 की जगह क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, तो 1 ज़ा पे पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाता। कितने की गैप है, गैप है हमारा 20 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 20। तो हम क्या कर देते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं 20, ये हो जाएगा फिर 120 को अब करके देख लेते हैं किससे, 24 से, ये हमारा हो जाएगा, ये 5 ज़ा पे हमारा चला जाएगा कम्प्लीटली। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा है, वो है 120, जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। हियर आंसर इज आर 120, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमने फोर्थ क्वेश्चन में करा था, उसमें हमसे स्मॉलेस्ट 3-डिजिट पूछा था, अब यहाँ पे हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है। करने का तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, तो 8, 10, 12, इसके एलसीएम 2 से करेंगे, 4 ज़ा 5 ज़ा 6, फिर 2 से 2 5 3, फिर 2 से 1 ज़ा 5 3 5 1 ज़ा और लास्ट में 3 1 ज़ा। तो हमारा एलसीएम निकलेगा इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा आ जाता है 120। अब हमसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ग्रेटेस्ट हमारा, ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है हमारा 99।
नाइन। अब 120 को 999 से करके देखते हैं, अगर कम्प्लीटली हो जाते हो तो हमारा आंसर 999 ही होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कोई और नंबर देखना पड़ेगा। तो 120 को हम 999 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये 8 सा पे जाएगा, ये हो जाएगा 960, ये तो कम्प्लीटली ख़त्म, ये 3 और ये 9, अब ये नहीं जाएगा, 39 बचा है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 39 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अगर 39 कम होता, देखो वहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला था तो हमने क्या करा था, 100 है, 100 से अगर नीचे जाते ना तो टू डिजिट स्टार्ट हो जाता, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बच रहा है 39, ये इसमें से जो ग्रेटेस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा जो कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम माइनस 39 कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 960। ये एक नंबर है जो कि 120 को कम्प्लीटली 120 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये 8, 10 और 12 इन तीनों से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सिक्स कर लेते हैं। यहाँ सिक्स क्वेश्चन बोला उसने, ट्रैफिक लाइट्स हैं कहाँ पे, रोड पे लगी हुई हैं, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे लगी हुई हैं, चेंज आफ्टर एवरी 40 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। जो 3 लगी हुई हैं वो रिस्पेक्टिवली पहले जो फर्स्ट वाली वो इतने सेकेंड बाद चेंज होती है, फिर उसके बाद वो दूसरी वाली इतने सेकेंड्स बाद, सॉरी बजे बोल देना सेकेंड्स, और थर्ड जो है वो 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है। इफ़ चेंज साइमल्टेनियसली, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो एक एक करके चेंज होते हैं तो एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। वो उसने बोला 7 बजे ना वो एक एक करके, मतलब पहले ये जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट 1, 2 और 3, 7 AM पे वो पहले ये चेंज हुई, फिर ये। अब कितने बजे दोबारा ये ऐसे ही चेंज होंगी, क्योंकि इनका देखो टाइम तो अलग अलग है, सेम टाइम पे तो नहीं हो रही है, तो एक टाइम और होगा जिस पे ये ऐसे सेम टाइम, जैसे 7 के टाइम बदली, पहले ये फिर ये ऐसे ही वो बदले। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगर सिर्फ इनका हम नंबर माने नहीं, जैसे हमें गिवन है 48, 72 और 108, तो उसने पूछा है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। वही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ 48, 72, 108, तो पहला 2, 2 ज़ा 4, सॉरी ये 3 ज़ा 6 और ये 5, 4, फिर 2 से 12 और ये हो जाएगा हमारा 18 और ये 2 ज़ा 7 ज़ा और फिर हमारा फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 27, फिर 2 से करेंगे तो 3 ज़ा 9 ज़ा और 27, ऐसी एज इट इज़ उतरेगा हमारा। फिर यहाँ 3 से 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 9 ज़ा, फिर 3 से 1 ज़ा और 3 ज़ा और 3 से, तो एलसीएम हमारा क्या निकला है, एलसीएम हमारा निकला है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 4, 3, 2। तो कितने सेकंड्स बाद ये दोबारा से चेंज होंगे, पहला 7 पे हुए साइमल्टेनियसली, फिर इतने सेकंड्स बाद दोबारा से साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो हम इसको ये सेकंड्स दे रखे ना, तो सेकंड कैसे ऐड करेंगे, तो हम इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड करके 60 से, तो ये हमारा आ जाएगा 7, 6, हाँ तो 7 और ये तो मिनट्स हो जाएंगे हमारे, और जितने बचे हैं वो हमारे 12 रिमेनिंग बच रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे सेकेंड्स। तो 7 AM पे पहले चेंज हुए थे, तो इसमें 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स ऐड कर दो, तो वो दोबारा चेंज होगी 7 AM 7 मिनट्स 12 सेकेंड, इतने बजे वो क्या होगी, दोबारा चेंज होगी, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एलसीएम लेकर कराया हमने, क्योंकि उसने सेम नंबर, अगर नंबर दिया होता डायरेक्ट तो वो पूछता कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, मीन्स वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हो गया, अब सेवन्थ पे मूव करते हैं। देखो ये सेवन्थ क्वेश्चन है, उसमें ये एग्जाम्पल वाले की तरह ही है, सेम है, तो यहाँ पे वैसे तो पता ही आपको क्या करना है, सेम मैंने समझा दिया था एग्जाम्पल में, फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। 3 टैंकर्स हैं जिनकी कैपेसिटी ये और ये है, डीजल से भरे हुए हैं, उनकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना है जो कि इन तीनों डीजल से भरे हुए जो है टैंकर्स हैं उनको कम्प्लीटली एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेज़र कर सकें। एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स का मतलब ये है कि यूँ नहीं है कि एक कंटेनर लिया
वो तो इसको कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, मेज़र कर ले रहे हैं, मतलब यूँ नहीं कि कोई हाफ रह जा रहा है या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रह जा रहा है, नहीं, एग्जैक्ट नंबर का मतलब है कम्प्लीटली फुल कंटेनर जो है इसे अगर इसे मेज़र करें तो उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दे, कम्प्लीटली ख़त्म कर दे, या एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स का मतलब ये है कि वो नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम तो नहीं निकालना है, मैक्सिमम पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वही है, पहले हमें क्या करना है, इनके हमें इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो 403, 403, 434 और 455 इनके फैक्टर लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 13 × 31, इसका हो जाएगा 2 × 7 × 31 और इसका हो जाएगा 3 × 5 × 31। ठीक है, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको 31, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और यही हमें चाहिए, इतनी लीटर का ही कंटेनर चाहिए जो हमें इनको मेज़र करने के लिए नीड में आएगा। तो स्टेटमेंट लिख लो आप अपनी, इसको लिख लेंगे हम स्टेटमेंट में, एक मिनट में स्टेटमेंट लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर रिक्वायर्ड टू मेज़र द डीजल इन 3 टैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब 8 कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन, ये भी एक एग्जांपल जो समझाया था उसी की तरह है। यहाँ पे लीस्ट नंबर पूछा है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सके और उसका रिमाइंडर कितना बचे, 6 बचे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम निकलेगा वो तो, जो भी नंबर निकलेगा वो तो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ना, बट यहाँ पे बोला कि ऐसा नंबर निकालें जो 5 रिमाइंडर बचे जिसका, तो जो भी आएगा हमारा नंबर उसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 6, 15, 18 इनका एलसीएम निकालेंगे हम। तो हमारे पास आएगा, पहले 2 से करेंगे 3, 15, 9, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 3, फिर 5 से 5, फिर 3 से, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम होगा हमारा 2 × 3 × 5 × 3, ये 2s ये 9s, ये कितने हो गए हमारे पास, 90। तो नंबर क्या होगा हमारा, 90 + 5 = 95, आंसर 95 चाहिए होगा हमें। ऐसा नंबर कौन सा है, 95 है, जो इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचेगा। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में हमसे पूछे स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, वेट क्या पूछा हमसे, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर पूछा है जो कि इन तीनों नंबर से क्या हो, कम्प्लीटली डिवाइड हो सके, उनसे डिविजिबल हो, सॉरी डिविजिबल हो जो उससे। तो यहाँ पे 4-डिजिट का पूछा है, सेम ऊपर जो क्वेश्चन करता था उसी की तरह है, स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, और कम्प्लीटली डिवाइड, तो स्मॉल कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर निकाले तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे पता चल रहा है हमें यहाँ इनका एलसीएम निकालना है। तो 18, 24 और 32 इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका होगा पहले हम करेंगे से 2 से, तो 2 9s 12 और 1s 6, फिर 2 से करेंगे तो 6 और 8, फिर 2 से करेंगे तो 4s, फिर 2 से करेंगे तो 2s 6 और सॉरी यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 आना चाहिए, 2 से करा तो फिर 2 से करेंगे 2s यहाँ पे 3 9, यहाँ पे फिर 3 से कर लेते हैं 3s और 1 2, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 2, फिर 2 से यहाँ पे हमारे पास अब फिनिश सारे। तो हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम हमारा 2 × 2 × 2 × 2 कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स से, तो एक बार 5 2 और 3 है हमारे पास 2 टाइम्स, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 8 8। अब स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 2 8 8, ध्यान रखना स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर होता है हमारा 1000, तो इसको पहले हम 2 8 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा, वरना हम देख लेंगे इसे प्लस माइनस जो भी कर होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 3s पे करेंगे तो 8 6 4, यहाँ पे हमारा बचेगा 6, यहाँ 3 और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, 9 1 136। अब 136 तो नहीं हो सकता, तो 136 की जगह अगर 2 8 8 होता तो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता था। देखो हम इसमें से ना 1000, इसको कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए यहाँ पे ये रिमाइंडर बचा है, तो इसमें से हम माइनस कर सकते हैं अगर, बट हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा 3-डिजिट बन जाएगा, जो कि आंसर नहीं मांग रहे हमसे क्वेश्चन, वो हमसे बोल रहे 4-डिजिट का होना चाहिए। तो 4-डिजिट का होने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 136 में और कितना ऐड करेंगे जो 2 8 8 बन जाए, तो हमें चाहिए होगा 251, तो 152, और ये 152 क्या करेंगे हम 1000 में ऐड कर देंगे, इससे हमारा
आंसर सही निकल जाएगा। तो 1000 + 152 ये हमारा हो जाएगा, कितना हो गया हमारा टोटल करेंगे तो सिंपल है 1152 ये हमारा आंसर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर जो कि इन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 10। देखो 10th क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन आसान है, इसमें हमें क्या बोला है बस एलसीएम निकालने, सीधा डायरेक्टली उसने बोला है एलसीएम निकालने के लिए, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। तो एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं 10th का पार्ट ए। एलसीएम निकालना 9 और 4 का, तो 9 2 2 1 9 फिर 3 और 3 1 ज़ा, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 मीन्स 36। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट 12 और 5, बी 12 5 तो 2 6 5 2 3 5 2 नहीं सॉरी 3 1 और 5 1 ज़ा, तो इसके एलसीएम हो गया हमारा 2 × 2 × 3 × 5 ये हो जाएगा हमारा 16। ये क्या आ गया एलसीएम। बी पार्ट भी हो गया सी 6 और 5, सी में 6 और 5 तो वैसे इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 3 ज़ा सामने ही दिख रहा है, 3 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 2 × 3 × 5 विच इज़ 30। और नेक्स्ट हमारा डी पार्ट में बोला उसने 15 और 4, 15 और 4 का निकाल लेते हैं, 15 4 2 2 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 15 और यहाँ पे 3 5 ज़ा पे जाए गए हैं और 5 1 ज़ा, तो इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10। अब 11 कर लेते हैं। 11th में हमें भी एलसीएम निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 5 और 20, 5 1 ज़ा 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो इसके एलसीएम ए पार्ट में इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 5 जो कि हमारा बनेगा 20। बी में 6 और 18, 2 3 ज़ा 9 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो बी पार्ट में हमारा एलसीएम है 2 × 3 × 3 ये हमारा हो गया 18। ठीक है, और फिर सी पार्ट 12 48, तो यहाँ पे 2 से 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 2 × 2 × 3 × 2 × 2, ये हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन गया 2048। अब डी पार्ट में हमारा है 9 और 45, तो 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 5 ज़ा 3 1 ज़ा 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 3 × 3 × 5 हमारा 45। और एक चीज़ और बोली है उसमें क्वेश्चन में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन रिजल्ट ऑब्टेन। ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे देखो एक चीज़ नोट करो कि ये जो नंबर है और दूसरा नंबर है हमारा एलसीएम सबके जो लार्जेस्ट नंबर है वही आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। देखो यहाँ पे इफ़ स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर देन द एलसीएम ऑफ नंबर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन नंबर्स इज़ इक्वल्स टू द लार्जेस्ट नंबर, ये बोल रहे हैं अगर जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें से जो छोटा नंबर है, जैसे कि इन दोनों में से छोटा नंबर है 5, अगर ये 5 20 का फैक्टर है तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, वो लार्जेस्ट नंबर निकलेगा। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे हम स्मॉल नंबर 2 और 8 ले लेते हैं, 2 8 का फैक्टर है ना, तो इनके एलसीएम करके देखते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो इनको करेंगे तो ये हमारा क्या गया 8। एक और देख लेते हैं, अब ले लेते हैं हम 3 और 27, तो ये इसका फैक्टर है, तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और
थ्री वन ज़ा। अब इन सबको करो, इसका एलसीएम भी हमारा गया है 27, इसलिए बोला है अगर जो दो नंबर दे रखे हैं उसमें से छोटा नंबर जो है बड़े नंबर का अगर फैक्टर है तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो लार्जेस्ट नंबर ही होगा। तो आप अगर ऐसा ऑब्जर्व करोगे ना ये पैटर्न, तो आप डायरेक्टली लिख लेना, एलसीएम निकालने की भी नीड नहीं होगी। देखना अगर कोई नंबर छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर है तो डायरेक्टली जो एलसीएम होगा वो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 3.7 फिनिश होती है, हमारा चैप्टर 3 भी यहीं फिनिश होते हैं। इसके बाद हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो यहीं हमारी वीडियो फिनिश होती है। थैंक यू।